पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। हरियाणा में फिर तो वही कहा जाएगा ना कि बीजेपी ने अपने लिए खुद ही बबूल के पेड़ बोए हैं। मतलब आज भी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जब कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, उस मंच से उनकी तरफ से बार बार इस बात को कहा गया कि हम मांग क्या कर रहे थे, हम तो सिर्फ अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। वो कह रहे सब हमारे साथ खड़े हुए थे, देश हमारे साथ खड़ा था, और हमारे खिलाफ कौन खड़ी हुई थी? सिर्फ बीजेपी। क्यों थे आप लोग खिलाफ सर? जबकि जिस बात का जिक्र अभी अखिलेश जी कर रहे हैं, वाकई में वो चार्जेस तो तय हुए हैं ना, और उसको खारिज कराने के लिए ब्रजभूषण जी हाईकोर्ट तक गए और वहां से वापस बैरंग उनको लौटना पड़ा। मतलब मामला तो चलेगा ना उनके खिलाफ। आजा संडास दिखा दो। राहुल गांधी जी बेल पे हैं और कांग्रेस के कई लीडर जिस वक्त बेल पे हैं, तो हम केसेस की बात करने जाएंगे तो आगे तक बात जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने घड़ी क्यों दिखाई है आपके शो में, क्योंकि टाइम टिक हो रहा है। अच्छा, एक महीने में हरियाणा का चुनाव है और इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट से रेजिग्नेशन लिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो हरियाणा का चुनाव नहीं जीत रही है। मैं बताना चाहता हूँ क्यों। इन्होंने कहा कि भाई हम राजनीति करते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ। बोल बोल। 7 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विनेश फोगट के साथ में खड़े हुए। 4 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विनेश फोगट के साथ खड़े हुए। 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विनेश फोगट के साथ खड़े हुए। 20 अगस्त 2018 को वापस से विनेश फोगट के साथ खड़े हुए। 19 सितंबर 2022 को वापस से खड़े हुए। ठीक है। और उसके बाद 6 अगस्त 2022 को वापस से खड़े हुए। 13 मार्च 2019 को वापस से खड़े हुए। 13 जुलाई 2021 को वापस से खड़े हुए। 3 हफ्ते पहले वापस से उनकी तारीफ करी, क्योंकि प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी के लिए खिलाड़ी का योगदान होता है। परंतु जब पिछली बार विनेश फोगट ओलंपिक्स के अंदर हारी थी, क्या राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार विनेश फोगट के पास, राहुल गांधी उनके परिवार से मिले? नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उस वक्त राजनीतिक फायदा नहीं दिख रहा था। हम प्रधानमंत्री मोदी उस बार भी मिले, 3 हफ्ते पहले भी उनके साथ खड़े रहे। ये सिर्फ खिलाड़ी में या किसी में भी राजनीतिक फायदा देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी सत्ता से मतलब होता है। उस सत्ता उनको लगेगा जो उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे नहीं ये तो राष्ट्र की बात करते हैं, जो पार्टी को उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दूसरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे तो कहेंगे राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई यही पहलवान बेटियां तो घसीटी गई थी ना, तब भी तो आप नहीं बोले थे, तब क्यों नहीं बोले थे भाई? तब पूरी पूरी बीजेपी सन्नाटे में थी, चुप्पी मारे बैठी हुई थी, लेकिन उस बेटी ने जाके कितनी मेहनत करके ओलंपिक में जाके दिखाया कि कितनी दम है उसके अंदर में, उसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, और खासकर एक देश की बेटी के लिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। और दूसरी बात भाई, आपके रविंद्र जडेजा भी तो आपकी पार्टी में, कांग्रेस कितने अच्छे देश कितने अच्छे क्रिकेटर हैं, आज बीजेपी में चले गए वो, तो हम तो नहीं कहते हैं कि देश के बेटे नहीं है। भाई हमारे लिए देश के लिए क्रिकेट खेला है, कई मैच उन्होंने जिताए हैं, राष्ट्र का नाम रोशन किया है, भले वो बीजेपी में चले गए, इसके मतलब थोड़ी हम उनके लिए उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे। भाई उसने देश के लिए कंट्रीब्यूट तो किया ही ना क्रिकेट खेल के, इस चीज को तो आप मानोगे ना। बात तो सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई कि बीजेपी में क्यों नहीं गया? अब बीजेपी में जाते हो तभी इनकी भाषा कैसी होती, तब बातें नहीं नहीं दिनेश फोगाट बहुत राष्ट्रवादी हैं और देश के लिए बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा अलग अलग प्रोग्राम चल रहे होते, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे, चारों तरफ हंगामा होता लेकिन बीजेपी में नहीं है। इसलिए मैं बीजेपी वालों से बस इतना ही कहूंगा, पार्टी से, सबसे, दल से, व्यक्ति से सबसे बड़ा राष्ट्र है, और जो राष्ट्र का नाम रोशन करता है विश्व के पटल पे उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, किसी दल में जाए, किसी पार्टी में जाए, कहीं भी रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।